पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में से खबरें आ रही हैं। और ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं, और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जितना जो जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की सभी सरकारें अपने अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं, और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं है, तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वेदर फोरकास्ट्स के ऊपर भी नज़र है, वहाँ से जो पानी छूट रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों की नज़र है। 206 मीटर अगर क्रॉस करेगा तो हम इवैक्यूएशन चालू कर देंगे। इवैक्यूएशन भी जो बिल्कुल यमुना के तट के ऊपर आसपास लोग रह रहे हैं, झुग्गी बस्तियों के, ऐसे 41,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके लिए रिलीफ कैंप्स बना लिए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वहाँ पे शिफ्ट करके उनको रिहैबिलिटेशन कैंप्स में हम लोग ले जाएंगे। जहाँ तक अभी तैयारियों का सवाल है, पीडब्ल्यूडी के 680 पंप परमानेंटली पानी को सक करके जहाँ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। 326 टेम्पोरेरी पंप्स और लगा दिए गए हैं 680 के अलावा, और 100 मोबाइल पंप्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के कर सकते हैं।